कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए, हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफ दे होता है। ला इलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज पर गौर फरमाए। डिस इज, इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं है। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।